बोल रही है कौन सी केबल होती है? C++ केबल। नहीं, कौन सी केबल होती है? C++। कितना? 10,000 रुपये तो नॉर्मल हर कोई दे देगा। अच्छा सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। टुडे आज है 16 जून 2021 और अभी टाइम हो चुका है 6:45 और आधे घंटे में जैसे रेगुलर पढ़ता हूँ वो पढ़ ही चुका हूँ। सुबह मैं 4 बजे उठ ही गया था और किताब पढ़ा, काफ़ी अच्छा लगा। अब मेन पढ़ाई पे आ जाते हैं तो आगे अब क्या बढ़ाना है हमको। हैकरन का वो मेरे दोस्त ने सॉल्यूशन का जो लिंक है वो मुझे दे दिया था, तो अब उस सॉल्यूशन को देखेंगे, उसके बाद थोड़ा बाइनरी ट्री करेंगे और फिर हो सकता है थोड़ी जो नॉर्मल प्रैक्टिस है वो करी जाए आगे की तरफ। TCS के साल बनाते हैं और थोड़े से जो भी गीक्स और गीक्स पे पड़े हुए हैं वो, उसके अलावा DBMS की थ्योरी भी आगे बढ़ाई जा सकती है। बट टिल देन जो मेरा हेडफोन है वो चार्ज हो जाएगा तो बेटर रहेगा कि हम अभी प्रैक्टिस चालू कर दें। और आज शायद पहला दिन है कि मैं वो जो 2 डे व्लॉगिंग है उसकी शुरुआत करूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने कल बताया था कि अब हर 2 दिन को मैं कंबाइन करके एक ही टाइम निकालूंगा, तो उससे मुझे लगता है मेरी एफिशिएंसी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का दिन। सो गुड मॉर्निंग, अभी बज रहे हैं 8:30 लगभग और मैंने अभी 1.5 घंटे का स्लॉट पढ़ा है, अच्छा रहा। TCS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे थे, इसके अंदर क्या लिखा है कि मतलब शुरू में करे थे सवाल तो हो गए थे सब खुद से, बट देन आगे देखा तो एक जो लास्ट सवाल मैंने करा था वो था डायनेमिक प्रोग्रामिंग का, तो मुझे बाद में पता लगा जब मैंने काफ़ी ज़्यादा उस पर दिमाग लगाया और फिर उसको आगे सॉल्व करने की कोशिश की तो हो नहीं रहा था, तो बाद में पता लगा कि वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग का सवाल है। अब जब डायनेमिक प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे या जानेंगे उसके बारे में कि कैसे की डी जाती है और क्या करना होता है उसके अंदर, कुछ अलग होता है क्या, तो उस टाइम इस सवाल को देखेंगे। उसके अलावा उससे पहले मुझे एक हैशिंग जो अलग सी टेक्निक होती है उसकी भी प्रैक्टिस करनी है और उसके अलावा सॉर्टिंग भी पढ़ना है, पर अभी फ़िलहाल तो मैं DBMS पढ़ रहा हूँ, तो DBMS के बाद या तो मैं सॉर्टिंग चूज़ करूँगा या फिर डायनेमिक प्रोग्रामिंग, तो उस टाइम देखते हैं वो क्या रहता है। तो मतलब बेसिकली मेरा क्या क्या बच रहा है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग और ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ये दोनों फ्रेश बच रहे हैं टॉपिक। सॉर्टिंग मेरा थोड़ा सा एक्सपोजर है सॉर्टिंग का मुझे, और उसके अलावा प्रैक्टिस मुझे करनी है ग्राफ्स की और बाइनरी ट्री की और हैशिंग की और डायनेमिक प्रोग्रामिंग और बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम में तो जो है वो है ही सही। तो देखते हैं आगे बढ़ाते हैं, वैसे काफ़ी स्विफ्ट सिलेबस आगे बढ़ा है, 15-1 महीने में काफ़ी कुछ कवर कर लिया देखा। तो लिंक लिस्ट से चालू किया था मैंने और यहाँ तक पहुँच गया हूँ मैं, काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस है। बट देन लाइक जैसा कि कल बताया था कि आगे का पढ़ते जाओ पीछे का साफ होते जाए, इससे कोई मतलब नहीं है, तो देखते हैं कि इनकलकेट कर पाए ढंग से रिविजन वगैरह भी। C++ भी तो पढ़नी है जो पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस होती है वो, तो काफ़ी कुछ करने के लिए है, तो करते हैं। बोल रही है कौन सी केबल होती है? C++ केबल। नहीं, कौन सी केबल होती है? C++। चलो भाई हम जा रहे हैं कटिंग कराने। अभी चिपकली थी ना यहाँ पे वो कौन गई। अब बताओ फाइनल कितने दोगे? कैसे बालों के? कितना? 10,000 रुपये तो नॉर्मल हर कोई दे देगा। अच्छा 10,000 रुपये तो आज की तारीख में कंप्लीट है। गंजी करो? गंजी नहीं, बिना गंजी के बताओ, आधे काट लो पर मतलब 5 साल में देखो इतने बाल तो उसके अंदर मशीन के अंदर जाएंगे। अरे राम है ना, फिर कम से कम इतना बाल फिर वो उसके अंदर बिक के अंदर लगेगा। हाँ तो ये बाल भी रहते रहते इतना रह जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद इतना रहने के बाद फिर बाल फिर बनती है, तो उन बालों को ज़्यादा बढ़ा।
तिरुपति वाला जी वो कुछ कर रहा है। हां हां तो बिकते पता है वहां। इसका अभी कितना हुआ है? तो मैं आ चुका हूँ बाल कटवा के और ऐसे लग रहे हैं एक हाथ से अच्छे ही हैं, कितना काट दिया तो ठीक है। तब तो नहा तो मैं लिया हूँ और जो इंस्टाग्राम की एडिट वगैरह मारनी है थोड़ी सी वो मारूँगा। अब इंस्टाग्राम पे जो फ़ोटो डाली थी उसकी एडिटिंग करनी है तो पहले वो डाली जाएगी तो उसका लिंक आ जाएगा कहीं इधर या फिर इधर, तो वो देख लेना। और एक और जो कल की जो व्लॉग है वो भी एडिट मारनी है तो वो भी मारेंगे। पर ये पता नहीं इतना ज़्यादा फेस वीडियो क्यों ऑन कर रखा उसने, समझ नहीं आ रहा। एनीवेज तो अभी के लिए इतना रखते हैं, बाय। सो अभी लगभग 1:30 बज चुके हैं और वीडियो एडिट मैंने कर दी है। जो वीडियो एडिट हुई है वो 6.5 मिनट की हुई है, तो एक चिपकली वाला सीन भी डाला है मैंने तो उसके कारण मुझे लगता है थोड़ी सी लंबी हो गई है। एनीवेज बाल मैंने कटा लिए हैं आज, दिखाई दिया था मैंने पहले है ना, और वीडियो एडिट कर दिया, बस इसको अब अपलोड करना है और खाना खा लेते हैं और फिर फ़ोटोशूट करेंगे। ये कल टी शर्ट खरीदी थी मैंने तो एनीवे हाँ इसमें फ़ोटो खींचनी है क्योंकि वो मैगजीन के लिए जाएगी वो फ़ोटो। उसके बाद जो कपड़े धोए हैं थोड़े से नए कपड़े आए थे तो उनको पहनने से पहले एक बार बस थोड़ा सा हल्का सा धोना और उसके बाद बस पढ़ाई करने बैठ जाएंगे। तो अभी के लिए तो इस वीडियो को एडिट करने में और जो पिछली वाली जो वीडियो मैंने एडिट करी है वो एक इंस्टाग्राम पे जो मैं फ़ोटो पोस्ट करी थी उसकी एक तरीके से शॉर्ट बना दिया मैंने, उसका लिंक मैं दे दूँगा यहाँ पर तो उसको देख लेना। और जो प्रीवियस वीडियो मैंने अभी एडिट की है मैंने 15 जून वाली, उसका लिंक भी मैं यहाँ पर दे दूँगा तो उसको भी देख लेना दोनों को। अच्छी वीडियो एडिट की है तो देखना ज़रूर। हेलो, तो अभी टाइम हो रहा है 3:30 और मैं अभी फ़ोटोशूट करा के फ्री हुआ हूँ। करा के क्या मतलब, खुद नहीं करा था, मेरी तो कोई है नहीं मतलब ढंग की कोई फ़ोटो खींचना वगैरह। तो अभी जो ऑफिस का हाल है वो हो चुका है बुरा, बहुत बुरा। दिखाऊँ क्या कैसा हुआ है? तो ये रुक जाओ दिखा रहा हूँ, कैमरा ऐसे मतलब फैल गया सब कुछ, वैसे भी जनरली फैला ही रहता है बट देन नाउ तो ये देखो, ये टेबल पर इतनी सारी सामान और ये सब फैल गया और इधर भी ये कॉपी किताबें, ये चेयर भी दूसरी पलट गई है, यहाँ पे देखो ऐसा हाल हो गया। तो बस अब इसको ठिकाने लगा के फिर कपड़े धोएंगे थोड़े से और फिर जस्ट देखते फिर क्या करना है। तो तब तक के लिए बाय।